नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सांसद कांग्रेस के शशि थरूर अपनी राजनीतिक जो वो टिप्पणियां करते हैं उनके लिए तो जाने जाते ही हैं, लेकिन क्रिकेट पर उन्होंने एक दिलचस्प टिप्पणी की है। दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट के कई खितों में इस बात का जिक्र भी है कि सचिन तेंदुलकर की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं, क्या उनके पास टीम थी, अगर उनके पास टीम नहीं भी थी और अगर उनके पास क्या टीम होती तो भी क्या वो उसी तरह के कप्तान होते जैसे वो रहे या फिर वो उससे बेहतर कर सकते थे। शशि थरूर ने सबसे पहले जो बातें कही वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये बताते हुए कि उस वक्त के डेटाज क्या थे, कौन सी वो लॉस थी जिसने सचिन को तोड़ दिया, कौन सी वो हार थी जिसने कहीं ना कहीं सचिन से कप्तानी छीन ली, क्योंकि BCCI के थ्रू और सचिन ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी जब पहली बार कप्तानी गई थी, वो दो बार भारत के कप्तान बने, 2008 में तीसरी बार उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया गया था जिसके बाद अनिल कुंबले को, जब उन्होंने मना कर दिया तो अनिल कुंबले को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया था। लेकिन पहली बार जब सचिन की कप्तानी गई थी तो उन्हें रेस्टोरेंट में उनके एक दोस्त ने बताई थी ये बात, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे जो उनकी ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं शशि थरूर वो आपका जानना बहुत जरूरी है। शशि थरूर ने कहा है और यहां मैं शशि थरूर को पढ़ना शुरू कर रहा हूं कि जब सचिन कप्तान नहीं थे तब मैं यही सोचता था कि वो भारत के संभावित कप्तानों में सबसे बेस्ट विकल्प हैं, क्योंकि जब वो कप्तान नहीं थे वो बेहद एक्टिव थे, वो स्लिप में फील्डिंग करते थे, दौड़कर कप्तान के पास जाते थे, उन्हें सलाह और हौसला देते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो उन्होंने ये काम नहीं किया, उनके पास मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि वो प्रेरणादायी यानी इंस्पिरेशनल कैप्टन नहीं थे, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, इस तरह के वो कप्तान नहीं थे, ये उन्होंने कहा है। और हाल के समय में आप ऑयन मॉर्गन का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि उस वक्त का दौर क्या था। आपको याद होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ उस वक्त पे एक मुकाबला खेला गया था, जो भी लोग उस वक्त पे क्रिकेट फॉलो करते थे, और अगेन सचिन की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि उस हार ने 100 से ज्यादा रन ही बनाने थे भारत को, और उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भारत की बल्लेबाजी इतनी भी लचर नहीं थी और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में उतना भी दम नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई। भारत वो मुकाबला हार जाता है, सचिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस मैच में कप्तान थे। उसके बाद सचिन पूरी तरह से टूट जाते हैं इस टीम को लेकर, सचिन ने बहुत सुनाया भी था टीम को ले इस पूरी की पूरी हार को लेकर, लेकिन वो सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं जिस तरह से, वो बहुत ही एक डार्क चैप्टर था। उसे आप अगर सचिन की कैप्टनसी से जोड़कर देखें तो थरूर की ये बात एक हद तक जायज नजर आती है। वो ये भी कहते हैं कि ये शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी बैटिंग पर भी सोचना होता था और अंत में उन्होंने खुशी खुशी अपनी कप्तानी छोड़ दी, और बाद में जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। यानी जो बात मैं आपको बता चुका हूं थरूर ने वो बात कही भी है। 1996 में उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी, बहुत ज्यादा कप्तानी सचिन ने नहीं की, लेकिन जितनी भी कप्तानी उन्होंने की भारत उसमें कुछ बहुत अहम नहीं जीता, और ना ही सचिन को किसी भी समय पर एक ऐसा लीडर के तौर पर जाना गया जिसमें बहुत ज्यादा केपेबिलिटीज है। उन्होंने 73 वनडे और 25 टेस्ट में भारत की कप्तानी की है। सचिन के जो कप्तानी के रिकॉर्ड है वो निश्चित तौर पर जो है वो निराशाजनक रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि उनमें कोई बड़ी जीत सामने निकल कर नहीं आती है। तो अगर मैं डेटास की बात करूं तो उनका जीत प्रतिशत 35.07 है, और इसके अलावा 25 टेस्ट के दौरान टीम इंडिया को सिर्फ 9 ही टेस्ट में जीत मिल सकी। तो यानी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कप्तान नहीं थे। तो थरूर की ये बात सही है, राजनीतिक टिप्पणियों में आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन ये बात एक हद तक सही कही जा सकती है कि सचिन जो है एक औसत कप्तान थे, हालांकि उनके पास बढ़िया टीम नहीं थी ये बात भी मानी जाएगी, लेकिन अगर उनके पास कोई बढ़िया टीम होती भी फिर भी वो उतने प्रोएक्टिव नहीं थे जितने दादा या धोनी हुआ करते थे या फिर कपिल देव थे। तो ज़रूर बताइए आपको ये राय कैसी लगी, क्या आप भी शशि थरूर की राय से इत्तेफाक रखते हैं कि सचिन एक औसत कप्तान थे। बहुत बहुत शुक्रिया।